हेलो भाई और उनकी बहनों, मेरा नाम है डीडी और आप देख रहे हैं डीडी एक्सप्लेन। आज हम जिस सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं उस सीरीज का नाम है द सैंडमैन। सीरीज के शुरू में हमें द सैंडमैन ए के द ड्रीम द कॉस्मिक बीइंग, वो कंट्रोल करता है हमारे सारे ड्रीम्स को, अच्छे और बुरे दोनों को, और उसे 100 सालों के लिए कैद कर लेता है। एक पागल जादूगर जो डेथ को बुला रहा होता है गलती से ड्रीम को बुला लेता है। तो ड्रीम की गैर मौजूदगी से पैदा होने वाली प्रॉब्लम जैसे कि रात को सो जाना और फिर दोबारा कभी उठना ही नहीं, नींद में चलने की आदत, और किसी किसी को तो नींद ही नहीं आती, और इस सब को रोकना और सब कुछ पहले जैसा करने के लिए मुख्तलिफ दुनियाओं और टाइमलाइन का सफर करना, और उस सफर में उसे 3 चीजें ढूंढनी है। पहली उसकी रेत, दूसरी हेलमेट, तीसरी उसकी रूबी। और इस सब के बाद ड्रीम को पता चलता है कि एक सपनों का भंवर जो सालों में एक बार पैदा होता है और वो अब पैदा हो गया है, जो ख्वाबों की दुनिया और असली दुनिया को एक करने के लिए पैदा होता है, और ड्रीम को ये सब होने से रोकना है। और अब बस इसके बाद सीरीज के स्पॉइलर हैं और मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देना चाहता क्योंकि तुम्हारा मजा खराब हो जाएगा। और बात करें सीरीज मुझे कैसी लगी, सीरीज अच्छी लगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा सीरीज में, मगर सीरीज अच्छी है। मैं तुम्हें ये सीरीज रिकमेंड करता हूँ, तुम ये सीरीज देखो एक बार। सीरीज में 10 एपिसोड है लेकिन पता ही नहीं चलता कि 10 एपिसोड कैसे खत्म हो गए। और सीरीज में और भी कॉस्मिक बींग्स हैं जैसे कि डेस्टिनी, डेथ, ड्रीम, डिस्ट्रक्शन, डिजायर, डिस्पेयर एंड डिलीरियम। क्या पता मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, तुम कमेंट में मुझे बताना। और बस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए बाय।